हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। और इसी के साथ में एक नया चैनल और चल रहा है जिसका नाम है जीके एंड फैक्ट्स, जिसमें केवल आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, फैक्ट्स के फैक्ट्स मिलेंगे, जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओनली फॉर कैरियर चैनल के थ्रू। हम आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसमें जो आज टॉपिक है उसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। और ये जो वर्ब है, आपने टेंस जब पढ़े थे तो उसमें आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्रिया क्या होती है। वही जो चैप्टर है आज यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, और क्रिया होती क्या है। जनरली हम जानते हैं कि जो वर्ड किसी सेंटेंस का मतलब पूरा कर दे उसको हम क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया चार तरह की होती है, चार तरह की क्रिया होती है। नंबर एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, नंबर दो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, नंबर तीन लिंकिंग वर्ब होती है, और नंबर चार ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या लिंकिंग या ऑक्सिलरी वर्ब ये होती क्या है, चलिए आज हम सीखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ड वर्ब वो होती है जो बिना वर्ब के मतलब पूरा कर दे, सॉरी बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाए उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूं। एक बार फिर सुन लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसमें बिना कर्म के मतलब पूरा हो जाए, यानी मतलब का पता लग जाए। ऐसा वाक जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। अब सवाल उठता है ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म ना हो और सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाए उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने बोला आई लाफ, मैं हंसता हूं। शी गोज, वो जाती है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इसी में आ जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का मतलब क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने बोला आई गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जरूर होगा। आई गो टू मार्केट, इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी तरह से आपका ट्रांजिटिव वर्ब कंफर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यानी के जो दो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे और मतलब पूरा हो जाए उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा यू टीच स्मार्टली, आप बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला शी लुक्स स्मार्ट, वो स्मार्ट दिखती है। तो ये जो लुक्स वर्ड आ गया ना, उसने दो वर्ड को आपस में जोड़ दिया और सेंटेंस का मतलब क्लियर कर दिया। तो ये आपका हो गया लिंकिंग वर्ब। और नंबर चार पे आता है, नंबर चार पे आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल एकदम, इज आर एम वाज वेयर शेल शुड कैन कुड मे माइट वगैरह वगैरह, जितने भी वर्ड होते हैं जो सेंटेंस का मतलब पूरा कर देते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये चार तरह के वर्ब और चारों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ गए हो तो मैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूं, वो एक्सरसाइज आप सॉल्व जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व करके भी भेजूंगा, उसको आप आपस में
मिलाइए कि कितनी सही है कितनी गलत है, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इसके फौरन बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा, उसका टाइटल है एडवर्ब, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाता है तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। और साथ में आपको एक चीज और बताता चलूं, सैटरडे संडे को यानी शनिवार रविवार को 11 से 1 बजे तक मैं लाइव रहूंगा। अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई भी सवाल रिलेटेड टू टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड अगर आता है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, आप मुझे पूछिए जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सेटिस्फाई हो जाएं। और इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाजत, थैंक यू सो मच।